खरगोन जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। यहां अध्यक्ष पद जीतने की उम्मीद जताने वाली कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने दावा किया था कि उनकी ओर से प्रत्याशी रेवाराम पाटीदार अध्यक्ष बनेंगे। मतदान से ठीक पहले दोनों पार्टियों ने अध्यक्ष पद उम्मीदवारों का नाम घोषित किया। भाजपा की ओर से अनुबाई तंवर और कांग्रेस की ओर से रेवाराम पाटीदार का नाम घोषित किया गया है। कड़े मुकाबले में बीजेपी की अनुबाई तंवर ने कांग्रेस के रेवाराम को पराजित किया है। अनु को 14 वोट जबकि रेवाराम को 12 वोट मिले हैं। जिला पंचायत के 26 वार्ड में से भाजपा समर्थित 11 और कांग्रेस के 12 प्रत्याशी विजय हुए थे। दोनों पार्टियों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से 3 विजय निर्दलियों पर टीका हुआ था। दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों का कहना था कि वे निर्दलियों के साथ ही अन्य सदस्यों के संपर्क में हैं। जनपद पंचायतों में विजय प्राप्त करने के साथ ही भाजपा जिला पंचायत में अध्यक्ष बनाने की बात कह ही रहे थे। अध्यक्ष चुने जाने के बाद जय संरक्षक राजेंद्र सिंह पवार ने बधाई देते हुए कहा कि जय सदस्य ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के ऊपर और जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता ने विश्वास करके अपने अपने क्षेत्रों से विजय बनाकर भेजा था, उसी के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत में अनुबाई तंवर जी की का निर्वाचन हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की जीत है। जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में पंचायतों में काम कर जनता का विश्वास जीतने का काम कर रही थी, उन सभी कामों की जीत है। क्या क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? खरगोन जिले के मॉडल बनाएंगे और शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी ने जो भी काम किया है वो सब हम आगे बढ़ाएंगे क्षेत्र का विकास करेंगे। खरगोन से अब्राय पठान की रिपोर्ट।